प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने ये सुंदर दिन को देखने के लिए याद दिया, उसे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर हमारे बीच में उस अनुग्रह को दिया है, उसे प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं जीसस वार्ड पावर मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही सलामत हैं। आप परमेश्वर के दया से, अनुग्रह से अब तक संभाल के प्रभु ने आपको रखा, और YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, उसे प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके आज के प्रोग्राम को हम लोग आरंभ करें। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है पिता। आज की इस मीटिंग को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आज की इस पितामेश्वर आराधना और पितामेश्वर गीतों के माध्यम से तू ही आराधना पाए, और तू ही हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत से कार्य करे पिता। जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों को हम यीशु के नाम से तेरे हाथों में शरणों में देते हैं पितामेश्वर। प्रभु जी उन सबों को पितामेश्वर आज जो स्थिति में, जो परिस्थिति में वो लोग हैं पिता, उस परिस्थिति से तू ही निकाल सकता है कोई नहीं पिता। आज के वचन के द्वारा तू हमसे वादे कर प्रभु जी, जो हमारा आत्मिक आहार चाहिए पिता, उस आहार के अनुसार तू हमसे बातें कर, दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया, उतने तेरे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे बीच में तेरी उपस्थिति को आने दिया, तेरे धन्यवाद देते हैं। सारे आदर में जलाल तुझे देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करें और गाने को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मैं एक बार गाया था या दो बार गाया था वीडियो के माध्यम से, फिर से उस गाने को मैं गा के दोहराना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, और हम लोग उस उपस्थिति में आ जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, परमेश्वर हमारे बीच में बातें करेंगे। मेरे संग संग चलते यीशु जी तूफानों में, मेरे साथ साथ रहते यीशु जी वीरानों में, मेरे संग संग चलते यीशु जी तूफान में, मेरे साथ साथ रहते यीशु जी वीरान में। मैं चलता जाऊं, मैं लड़ता जाऊं, मेरा हाथ थामे जब रहते, संग चलते यीशु जी तूफान में, मेरे साथ रहते यीशु जी वीरान में। चाहे आगे भाटी में हो करके मैं जो चलूं, संग है जब यीशु मेरे, सोले से मैं ना जलूं। चाहे आग की भाटी में हो करके मैं जो चलूं, संग है जब यीशु मेरे, सोले से मैं ना जलूं। रब खुदावन खुदा मुझ पर शपथ से रहम करे, मैं घटूं घटता रहूं, मुझ में बढ़ते रहे, मुझ में बढ़ते रहे, संग चलते यीशु जी तूफान में। चाहे मौत के साए की वादी से होकर चलूं, संग है जब खुदा मेरे, आनी से मैं ना डरूं। चाहे मौत की साए
आएगी वादी से होकर चलूं, संग है जब खुदा मेरे आनी से मैं ना डरूं, आपके सोटे लाठी से शांति है मुझको मिली, आपको पाया जो खुदा नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, मेरे संग चलते यीशु जी के जुबान में मेरे साथ रहते, यीशु जी के विरान में मेरे संग चलते, यीशु जी के जुबान में मेरे साथ रहते, यीशु जी के विरान में, यीशु जी के तूफान में, यीशु जी के विरान में। हालेलुया, सच में परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, वो हर वक्त हर घड़ी हर समय प्रभु हमारे बीच में होता है। मेरे प्रियो, जो उसको विश्वास करता है, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देता है, वो हर घड़ी हर समय आपके बीच में रहता है। हालेलुया, और वही परमेश्वर आज आपसे कहता है, आपका परमेश्वर वो हर समय तूफान में वीरानों में हर एक वक्त में प्रभु क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपके जाने आने हर एक विषय में प्रभु आपको सहायता करेगा। आप आग में चलेंगे, पानी में भी आप आगे चले जाएं, प्रभु वहां से भी आपको उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आपका परमेश्वर जिंदा खुदा परमेश्वर है, आपका यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। आइए उस जिंदा खुदा परमेश्वर के पास अपने आंखों को हम लोग सर को झुका के और अपने मन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना में आएंगे, उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आज के इस सुंदर समय के लिए, शाम के समय में तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए, दया अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू अद्भुत रूप से अनुग्रह कर पिता, हर एक को तू अपने अनुग्रह के अनुसार उनके जीवन तू कार्य कर पिता परमेश्वर। रिखाना नलो रबा लबा सीधे रिखांदोलो लबा संदा को सीधे रिखरा प्रभु जी, आज की वचन के तू बातें कर प्रभु जी, पिता परमेश्वर आज जो टॉपिक तूने दिया है उस टॉपिक के अनुसार तू हमसे बातें कर प्रभु जी। आज पिता उन सबों के हृदय में तू बातें कर, उनके हृदय के पट्टिया में तेरे वचन को रख दे पिता, और तेरी महिमा को होने दे प्रभु जी, दया कर अनुग्रह कर, सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने ये सुंदर दिन को दिया। फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ संडे के दिन। पिछले हफ्ते मैं आ नहीं पाया कुछ काम के वजह से, और मेरे बहन का शादी भी था तो मौका नहीं मिला कि हम वीडियो को बनाएं, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने इस सुंदर समय को दिया आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, ये दिन को दिया उसके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज परमेश्वर का आत्मा मुझको यही अगुवाई किया कि आज हम जयवंत के बारे जानेंगे, विक्टोरी, आज हम जय कैसे पाएं, आइए ही हमारे बीच में परमेश्वर आज बात कर रहे थे कि अगर हमको जय पाना है तो सबसे पहले हमको वचन में हमको देखना है। बहुत सारे वचन है, मैं सब तो कोडेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कुछ वचन आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं और उसके द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आज हमसे वचन के द्वारा क्या बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ आप लोग वचन को निकाले, जितने लोग आज वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को मैं कहता हूँ, व्यवस्था विवरण उसका 20:4 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर युद्ध के बारे, जंग के बारे दिखा रहा है, और जंग में अगर
विजय होना है तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना जरूरी है। इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा संग चलता है। आज परमेश्वर हमारे लिए, अगर आपको जयवंत होना है, एक शारीरिक जंग होता है और एक आत्मिक जंग होता है। जब हम इस संसार में रहते हैं तो एक शारीरिक युद्ध भी होता है मेरे प्रियो। शारीरिक युद्ध में हम देखते हैं कि मनुष्य देश देश में, ठीक है ना, और घर घर में भी लड़ाई हो जाता है, जंग शुरू हो जाता है। पर मेरे सास ससुर का भी जंग होता है, ये बात नहीं, मगर ये बात हम देखते हैं आत्मिक जंग के बारे बता रहा है। हालेलुया। अगर हम वचन को हम कोटेड करते हैं, अगर हम आत्मिक पुस्तक या बोले तो हम लोग बाइबल को बताते हैं, अगर आपका आत्मा को शुद्धि करना है तो आपका शत्रु कौन है? शैतान है। तो आपका शत्रु और आपसे जो युद्ध करता है, शैतान जो आपसे युद्ध करता है, आत्मिक युद्ध करता है, उसमें आपको जंग से आपको जिताने वाला परमेश्वरी होता है। इसलिए लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा संग चलता है। आज आपके लिए कौन लड़ेगा? आपके लिए लड़ेगा एकमात्र परमेश्वर ही लड़ेगा। मगर परमेश्वर भी कुछ कंडीशन को रखता है, उस कंडीशन के अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। हम लोग वचन में बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं, वचन में भी पाते हैं कि इस्राएल लोग जब जब पाप किया, पाप में अपने जीवन को बिताए, तो परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह से हट गया है। परमेश्वर से वो लोग जब वो अपने आप को परमेश्वर के करीब नम्र बनाए, दीन बनाए और परमेश्वर के करीब में वो लोग प्रार्थना किए, निवेदन किए, तो परमेश्वर उनके लिए सहायता किए, उनके हर विषय में काम किए। उसी तरह आज भी परमेश्वर आज आपसे कहता है, मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए लड़ेगा, जय आपके लिए है, आपका जय को कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपका जितना तय है। जब आप यीशु के हाथ में आ गए हैं, परमेश्वर के हाथ में आ गए हैं, तो आप किसी रीति से भी नहीं हार पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हम लोग जब देखते हैं मूसा के समय में हम लोग देखते हैं, उनके पीछे में फैरो का सेना पड़ गया था और ये जो उनके पास भाले थे, मिस्री लोगों के पास भाले थे, रथ थे, ठीक है ना, तीर थे, तलवार थे, मगर इसराइल लोगों के पास कुछ भी नहीं थे। वो लोग चरवाहे थे, उनके लिए कुछ भी नहीं था और वो लोग कमजोर भी थे। और जब वो बिना हथियार बिना कुछ लेके वो लोग जा रहे, परमेश्वर ने उनको क्या किया? विजय दिलाया, मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने क्या किया? वो सारे फैरोन की जितने भी सेना थे उनको क्या किए? नील नदी में क्या किया? डुबा दिए। हालेलुया। और नील नदी से बीच से क्या किया? परमेश्वर ने रास्ता निकाला। आज अगर आप सोचेंगे कि मैं जीत नहीं सकूंगा, अगर आप परमेश्वर के ऊपर अपने आप को डिपेंड करते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा करते हैं, तो वो विश्वास योग्य है। आपको कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपको विजय कराएगा, मेरे प्रियो। आज मसीह समाज में हम लोग नौकरी के लिए हम लोग तलाशते हैं, ठीक है ना, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई अलग उनके जीवन में एक जंग है, मेरे प्रियो। आज संसार में हम जंग में है। आज कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ, कोविड भी एक जंग है, आत्मिक तौर में हम लोग जंग लड़ रहे हैं। हालेलुया। तो इस जंग से आपको बचाने वाला एकमात्र है प्रभु यीशु मसीह। ये युद्ध से आपको बचाने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। वही आपको सहारा देगा, वही आपको सहायता करेगा, मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको संसार में रह के अगर जंग में लड़ना है, आत्मिक तौर में भी और शारीरिक तौर में भी, बीमारी से हो या कुछ भी, आज आपका आप कैंसर से पीड़ित, ये भी आपका जंग है। आज आपका धन का आवश्यक, ये भी आपका आर्थिक जंग है। आज आप परेशान में है, ये भी एक जंग है। इस सारे जंग से उठाने वाला एकमात्र परमेश्वर ही आपको बचा सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता सीधे तौर में कहता है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। हर एक विषय में वो आपके संग संग चलेगा, तो आपको कौन हरा सकेगा? हालेलुया। उसलिए वचन कहता ना, आपके सामने 1,000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, अगर परमेश्वर आपके साथ है। नवजन संगीता में पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो आप अपने शत्रुओं को नीचे गिरते हुए देखेंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा।
हालेलुया। संसारिक तौर में भी और आत्मिक तौर में भी आप देखेंगे शैतान का कार्य नष्ट हो रहा है आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम लोग पौराणिक वचन में जाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा बात कर दूंगा तो वचन बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ज्यादा देर को ना हुए मेरे साथ और वचन को निकाले। पहला करंथियों उसका 10 का हम लोग अगर 13 को पढ़ते हैं, पहला करंथियों 10 का 13 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, तुम किसी ऐसी परीक्षा के बारे दिया है, याद रखिए जंग परीक्षा भी होता है, बहुत सारा चीज है, तो मैं मेन पॉइंट थोड़ा थोड़ा बात करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो परमेश्वर के सामने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है वो तुम्हें सामर्थ से भरा परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर हम सोचते हैं कि परीक्षा आपके जीवन में है तो परीक्षा आपको सहने के लिए ही प्रभु देता है। याद रखिए परीक्षा दो प्रकार का है, मैं कभी उसको बताऊंगा, एक परमेश्वर की ओर से आता है और एक शैतान की ओर से भी आता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार का परीक्षा है। परमेश्वर की परीक्षा में क्या होगा कि आपको सहनीय जितना आपको सह सकते हैं उसी के अनुसार प्रभु क्या करेगा, आपको देगा, आप जयवंत होंगे परीक्षा में। हालेलुया। कोई हार जाता है, पर मैं हेडली आपको कुछ साफ तौर से बताना चाहता हूँ, मैं उस जो दो परीक्षा दो टाइप का परीक्षा है मैं उनको हल्का से अंडरलाइन करके समझाना चाहता हूँ। देखिए परमेश्वर के परीक्षा से क्या होता है, अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो कोई आपको दंड नहीं मिलता है, प्रभु क्या करता है उसमें आपको और एक बार मौका देता है। और शैतान के तौर में हम लोग जब हारते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी आत्मिक जो रहता है आत्मिक बढ़ोतरी वो घट जाता है और आप गिर जाते, आपके शरीर में अटक होगा, आपके ऊपर अटक होगा, मगर परमेश्वर का जो परीक्षा है वो शारीरिक में नहीं होता है। जैसे हम लोग हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, शैतान की तरफ से हम देखते हैं तो आयुब के जीवन में आया, और परमेश्वर की ओर से हम लोग देखते हैं तो अब्राहम के जीवन में देखते हैं और पत्रस के जीवन में भी देखते हैं। पत्रस ने परमेश्वर ने परीक्षा किया कि वो उसने क्या किया, 3 बार अस्वीकार किया प्रभु को, मगर परमेश्वर ने क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उसको दोहरा के बताया कि तू उनसे प्रेम करता है, तो पत्रस 3 बार स्वीकार भी कर लेता है, हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में। हालेलुया। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि परीक्षा भी क्या होता है, एक लिमिटेड आता है, आपके जितना आपको सहने का लिमिट है, सबके अलग अलग क्वालिटी होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सबका अलग अलग क्वालिटी रहता है, ये ना सोचे कि मैं बड़ा बड़ा ले लूंगा, बड़ा फल खा लूंगा, आपका जितना बड़ा पेट है उतना आप खा सकेंगे, उससे ज्यादा खा नहीं पाएंगे, आपके अंदर जितना कैपेसिटी है उतना ही ले सकेंगे। हालेलुया। आप गाने गाने का टैलेंट है तो गाना गा सकेंगे, टैलेंट नहीं है तो नहीं गा पाएंगे। आप भविष्यवाणी करने के प्रभु ने आपको दान दिया तो भविष्यवाणी कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर का भी एक सॉरी लिमिट है, वो क्या करता है आपको लिमिट के अनुसार ही क्या देता है, सहने के शक्ति के द्वारा क्या करेगा, आपको परीक्षा को डालता है जैसे आप विजयी हो सके। इसलिए तो मैं कहता हूं आप विजयी हैं, जब आप प्रभु को पाए हैं तो आप विजयी हैं। परीक्षा आना जरूरी है, हर एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा आना जरूरी है। अगर आप परीक्षा आपके जीवन में नहीं आ रहा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर का जुड़ाव आपके साथ नहीं है। आप जब भी परीक्षा में आते हैं वो परमेश्वर की ओर से आए, शैतान की ओर से आए, आप जाने कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। आइए हम लोग और वचन में आ जाते हैं, यूहन्ना, क्योंकि बहुत सारा वचन है तो मैं कोट करूंगा, यूहन्ना आप 16 का हम लोग देखते हैं 33 में, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसमें भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु धड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को कह रहे हैं कि आप अगर आप संसार में रह रहे हैं तो आपको क्लेश उठाना पड़ेगा। जो लोग प्रभु में रहते हैं मेरे प्रियो, ठीक है ना, जो लोग प्रभु में रहते हैं पहले स्टेज में उनके जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है, वो लोग गिर जाते हैं, ऊपर में रहते हैं धड़ास से गिरते हैं,
हालेलुया। जैसे हम लोग वचन में भी देखते हैं, आयुब के जीवन में भी देखते हैं क्या होता है। आयुब के जीवन में धनवान रहता, बहुत बड़ा आदमी रहता है, और उसको क्या कहता शैतान, परमेश्वर का ऑर्डर मिलके ही शैतान क्या करता है। याद रखिए, परमेश्वर के ऑर्डर के बिना शैतान आपको छू नहीं सकता। परमेश्वर का ऑर्डर उसके जीवन में जब आया, उसने क्या किया, आयुब को क्या किया, बड़ा से उसको क्या किया, नीचे से गिरा दिया कुछ समय के लिए। मगर हम बाद में बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात को हम पाते हैं, आयुब अपने क्लेश में भी परमेश्वर को नहीं भूला, उसको त्यागा नहीं, उसको पकड़ के रखा, परमेश्वर की निंदा नहीं किया। जब तक उसके शरीर में मांस, चमड़ा, हड्डी, मांस शरीर से निकल चुका, घाव भर गया आयु के जीवन में देखते हैं, मगर वो एक लफ्ज भी परमेश्वर की निंदा नहीं किया। मगर आज के हम देखते हैं कि ये समय में हम देखते हैं मसीह कलीसिया में, मसीह जीवन में भी क्या हो रहा है। वो अपने जीवन को अगर थोड़ा सा भी क्लेश आ जाता तो परमेश्वर की निंदा कर देते हैं। कुछ समय के लिए अगर वो लोग पड़ जाते हैं तो क्लेश कर देते हैं, तो परमेश्वर की निंदा कर देते हैं, परमेश्वर तेरे लिए हुआ, तू चाहता तो सब कुछ कर सकता। मगर आज हम देखते हैं बाइबल से हम लोग सीखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल सिर्फ पुस्तक नहीं है, उसको आपको ध्यान से पूर्वक देखना है, उसे समझना है। वो आपको सिखाता है कि परमेश्वर के अंदर हमको कैसे रहना है। इसलिए कहता है प्रभु, क्या कहता है, प्रभु ने भी कष्ट उठाया, प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, हालेलुया, वो राजाओं का राजा है, और राजा हो के भी क्या किया, अपने आप को शून्य बना लिया आपके लिए मेरे लिए, और क्लेश को उठाया, दुख को उठाया, और क्या बोल रहा अंत में क्या हुआ, परंतु धाड़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया। आज संसार आपको क्लेश दे रहा है तो संसार को आप क्या करेंगे, जीतेंगे, परमेश्वर आपको जीता देगा मेरे प्रियो, हालेलुया। आप विजेता है, आप साधारण परमेश्वर का पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटे हैं, बेटियां हैं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। क्लेश आएगा आपके जीवन में, आपको लोग थूतू करेंगे जब परमेश्वर को आप पाते हैं, हालेलुया, थूतू करते हैं लोग आपको परमेश्वर को पाने के बाद, मगर प्रभु क्या कहता है, मैंने तुमको विजय कर दिया है, मैंने तुमको क्या किया, खड़ा किया है, हालेलुया। आइए हॉट वचन निकालेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। इफिसियों का पुस्तक हम लोग निकालते हैं, वहां पर भी एक विषय लिखा हुआ है, 6 का, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं और एक बार हम लोग पढ़ेंगे इस विषय को। इफिसियों 6:13 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, चीज हम लोग जितना हम लोग पढ़े उनसे सबसे अलग धलक हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि इसलिए परमेश्वर के सारे तुमको क्या करना है, हथियार को बांधना होगा, हालेलुया। ये जो हम 6 को पढ़ेंगे तो आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, वहां पर सारे हथियार के बारे में लिखा हुआ है। ये सारे हथियार को क्या कर लो, बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आज मसीह समाज अगर आप खड़े हैं तो याद रखिए, आप अभी चूहे हैं, शेर नहीं है, मत सोचिए आप शेर है बोल के, चूहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया है, आपको बिल्ली के पास में छोड़ दिया है। कब आपके ऊपर दुश्मन क्या कर दे, अटक कर दे, दुश्मन कौन है, शैतान, हालेलुया। और शैतान डायरेक्ट आकर आपको नहीं करेगा, वो किसी के माध्यम से, याद रखिए, जैसे आपको वो क्या ना कर सके, आप हाँ भी नहीं बोल सकेंगे, ना भी नहीं बोल सकेंगे, ऐसे करेगा कि आप परमेश्वर को पाए। आप कोई हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट क्रिश्चियन हो के आप देख रहे हैं, और ऐसे शैतान कर देगा कि आपके आपका परिवार से, आपके आपके घर से, आपके माँ बाप आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। ऐसे भी होता है मेरे प्रियो, इसलिए क्या कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। अब बुरे दिन में सामना करना है आपको, क्योंकि ये आप मत सोचिए कि मैं अच्छे दिन में चल रहा हूं, हालेलुया, बुरे दिन में आप चल रहे हैं,
धन की आवश्यक नहीं, धन की आर्थिक स्थिति इंडिया का बागडोल हो गया है, नौकरी नहीं है। हालेलुया, हर एक विषय को आप लोग देख रहे हैं, न्यूज के द्वारा भी देख रहे हैं और आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं इंडिया की हालत क्या है। और सांसारिक तौर में भी हम लोग गिरावट हो रहे हैं, मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर हो रहा है, छत्तीसगढ़ यूपी सॉरी हर एक जगह में हो रहा है। तो आपको ये वचन के अनुसार आपको जानना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का हथियार को बांधना, प्रार्थना लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, वचन पढ़िए, विश्वास कीजिए प्रभु के ऊपर, तो प्रभु आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया, फिर हम लोग उसी 6:10 को पढ़ेंगे और यहां पर समाप्त करेंगे। निदान परमेश्वर प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। हालेलुया, क्या करने बोल रहा है, प्रभु में उसकी शक्ति में क्या होते जाओ, बलवंत बनो। तो क्या करोगे आप, संसार में जीत सकोगे। हालेलुया, आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर धन्यवाद तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आज की वचन की रातों ने बातें की था, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन तो कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता प्रभु जी, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले पिता मेरे तेरा महिमा तेरी प्रशंसा उनके जीवन में होने पाए पिता। जो लोग बीमार में पड़े हुए हैं, रोग में पड़े हुए हैं, उनके यीशु के नाम से उनको चंगा कर तेरी महिमा को होने दे पिता प्रभु जी। आज इसकी वचन के द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करके तेरी महिमा तेरे राज्य के लिए उनके जीवन बढ़ोतरी कर देता। सारे आदर और जलाल तुझे देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह।